ओके सो अभी जब इनकी पावर कम हो जाती है इसी तरीके से पागल हो जाते हैं जैसा आप इनको देख रहे हैं। अभी अजीब अजीब हरकतें करने लगेगा भाई। आई डोंट हैव एनी ये क्या है, ये क्या ब्लू से ऑरेंज हो रहा है अभी। अब क्या करना है मुझे नहीं। ये इस तरह से घूमने लगेगा, अजीब अजीब हरकतें करेगा। आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ। ये ड्रिल तो यारो कैसे हो, उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन में मौज ही कर रहे होगे। और आज हम आपके लिए ले आए हैं द लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड का एक और एपिसोड, जिसमें लिंक करेगा वेंचर इनटू द डिवाइन बीस्ट वार रुदानिया। लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था गोरॉन सिटी में, जहाँ पे हमने अपनी गॉडेस को प्रे करके कहा था कि भैया हमारी स्टैमिना वेसल को बढ़ा दो, हमारे पास 4 ऑर्ब्स हैं वो ले लो हमसे, और वही हमने किया था। लेकिन उसके बाद मैंने ये ध्यान दिया कि कुछ डिशेज हमारे पास कम है, कुछ फूड हमारे पास कम है, और कुकिंग में आपको ऑलरेडी बहुत दिखा चुका हूँ, तो मुझको लगा कि नई कुकिंग फिर से दिखाने का कोई उसका फ़ायदा नहीं है। तो मैंने लिबर्टी ले ली गाइस, खुद से आपसे बिना पूछे खुद से कुछ कुकिंग वगैरह करके फूड अपने पास जमा कर लिए हैं, क्योंकि आगे जो यहाँ पर होने वाला है उसके लिए मुझे काफ़ी सारे खाने की ज़रूरत पड़ेगी। 3 हार्ट्स के साथ आई डोंट थिंक यहाँ कोई भी आज तक आया होगा जो हम लोग जल्दबाजी में अपनी आ गए हैं। लेट्स सी क्या हो पाता है क्या नहीं। अगर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से मूव ऑन कर जाएंगे और थोड़े से हार्ट्स वगैरह कलेक्ट कर लेंगे। ये चमक रहा है, देखें क्या बोलेगा ये हमसे। एग्जामिन करते हैं इसको। ऑलराइट, शीका स्लेट ऑथेंटिकेटेड, अनेबल टू एक्टिवेट मेन कंट्रोल यूनिट। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में दारुक की आवाज़ ने हम लोग को कुछ सिखाया बताया था इसके बारे में, इस पूरे एरिया के बारे में कि कैसे इसको तुमको मैन्यूवर इसको करना है, उसके लिए हमको जो है कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये आप देख रहे हैं दोस्तों, रेड मैलिस नाम है इसका, और ये ऐसी आईज ऐसी छोटी छोटी आपको दिख जाएंगी हर जगह पर जहाँ भी ऐसा कुछ होगा। मैं भूल गया एरोज़ खरीदना, मुझे खरीद लेने चाहिए थे। शिट, एरोज़ की बहुत ज़रूरत है हम लोग को। और यहाँ पे ये सब ख़त्म करने के बाद आई थिंक वी आर रेडी। अब यहाँ पे कुछ बाहर तो करने को रह नहीं गया है, अंदर जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अंदर जाके देखते हैं कि क्या मिलता है हमें। आई डोंट थिंक कि कोई भी इस बीस्ट के पास 3 हार्ट के साथ पहुँचा होगा। हम लोग पहली बार ऐसा कुछ करने जा रहे हैं जो वाकई में देखा जाए तो शायद बेवकूफ़ी भी हो सकती है। गेम को यहीं पर एक बार सेव कर लेंगे, पता नहीं क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, और उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। अंदर जाते ही कुछ हो गया है गाइस, यहाँ पे हो गया है कंप्लीट अंधेरा, भीषण अंधेरा यहाँ हो गया है जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं भूल गया था व्हाटएवर। और कुछ आईज दिख रही हैं जिनको हम लोग बॉम्ब चलाएंगे, क्योंकि अब हमारे पास एरो ज़्यादा स्पेयर करने को रह नहीं गए। सही बात जो है, तो आईज हम लोग ने अपनी जो है एक और आईज है तो उसको बॉम्ब चला दें। मालिश की आईज हैं ये, कोई ज़्यादा अच्छी आँखें नहीं है ये, और कुछ दे गई हैं ये हम लोग को, ट्रेजर दे गई हैं जिसके अंदर पड़े हुए हैं एक टॉर्च पड़ी है। ऑलराइट, तो इस टॉर्च की हम एक्चुअली बताएं तो आपको ज़रूरत है इस पर्टिकुलर डिवाइन बीस्ट के लिए, और आइस रॉड का अब समय आ गया है, इसको जाना पड़ेगा शायद मैं बाद में उठा लूँ जब टॉर्च का काम ख़त्म हो जाए, लेट्स सी। लेकिन फ़िलहाल हमको टॉर्च की ज़रूरत है। ये गेम जिस तरह से यहाँ अंधेरा है, ये एक और कुछ दिख रहा है मुझको यहाँ पर, उसको भी खोल के देख लेते हैं ट्रेजर को। ड्रैगन बोन बोको क्लब, ये हम लोग सब यूज़ करके छोड़ चुके हैं, बट आई थिंक कि अगर कुछ और अच्छा मेरे पास नहीं है, जैसे कि स्लेज हैमर को डेफिनेटली हम ड्रॉप कर सकते हैं। 2 हाथ भी लगते हैं और सिर्फ 14 पावर, कम्प्लीटली अटरली अननेसेसरी। तो ये ड्रैगन बोको प्लग हमने ले लिया है। अब हमारे पास ये मशाल पावर तो आ गई है भाई, लेकिन अब जाना कहाँ है, ये कुछ चमक रहा है, मैं इसको ज़रा देख के आता हूँ। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि अंदर कुछ हो रहा है, कुछ फायर सी जल रही है, और यहाँ से मेरे ख्याल से मुझको सीधे जाना चाहिए और ढूंढना चाहिए कि मेरे पास ब्लू फ्लेम तो है ही है, इसको मैं कहाँ लगा सकता हूँ। तो ये एक फायर प्लेस दिख रहा है मुझको, जहाँ से मैं जल्दी से नहीं हटा तो मैं जलने लग जाऊँगा। जल गया मैं, मेरी क्या गलती है, उधर कुछ खुल रहा था। एनीवेज ये कुछ गार्जियन चार्जियन भी हैं जिनसे हमें लड़ लेना चाहिए, नहीं तो ये हमारी बैंड बजाना शुरू कर देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, आप देख रहे हो कितनी सारी फ्राइड वाइल्ड ग्रीन्स आ गई है हमारे पास। मैं बहुत मेहनत कर रहा था आपके पीछे से, तो गार्जियन को तो हम लोग ने मार दिया है, पर यहाँ उसको दिख रही हैं बहुत सारी आँखें मेरी तरफ पड़ती हुई, जिनको मुझे मारना है ज़रूरी, क्योंकि कभी मिस हो जाएगा तो मैं दिखाऊंगा। कोई आँख मिस हो जाती है तो वो हम लोग के साथ क्या कर सकती है, वो काफ़ी ख़तरनाक खेल खेल सकती है हम लोग के साथ सही भाषा में। तो यहाँ पर आँख थी, मुड़ नहीं रही है, थी तो लेकिन नहीं थी,
मेरा आखिरी एरो वेस्ट हो गया। अच्छा वो उस तरफ है, मेरा आखिरी एरो वेस्ट हो गया गाइस। तालियां, कोई बात नहीं, हमारे पास फायर एरो है और एरो का क्या है, एरो तो आते जाते रहेंगे। सो क्या वीडियो आ गई, ठीक है। सो आई डोंट थिंक कि और यहाँ पे आँखें हैं या मुझको दिख नहीं रही हैं। एनी वेज बाद में देखेंगे, पहले रोशनी का जुगाड़ करना है कुछ भाई। तो आई थिंक यहाँ भी वैसा कोई पोर्टल है, ये नाइट बो मुझको नहीं चाहिए, सॉरी। यहाँ भी वैसा कुछ पोर्टल है, ब्लू फ्लेम लगा के खुल जाएगा। तो पहले जाते हैं वापस से, अपना ब्लू फ्लेम लेके आते हैं, टॉर्च को टॉर्च में से और भगो दिए से। हाँ सो टॉर्च लेते लेते ब्लू फ्लेम से जल ना जाऊँ, मुझे ये डर लगता है अपने साथ। तो यहाँ पे कुछ है क्या, नहीं यहाँ नहीं दिख रहा। और ये रहा इस जगह, एग्जैक्टली इस जगह पे एक और पोर्टल खुल गया है हमारा। और यहाँ पे कोई गार्जियन है क्या, नहीं। सो यहीं हमको आना था गाइस, अंधेरा हमारा जो है वो ख़त्म होने वाला है। ये जो है इसको कहते हैं मैप स्टोन है यहाँ का, इस डिवाइन बीस्ट का। शीका स्लेट ऑथेंटिकेटेड डिस्टिलिंग मैप ऑफ डिवाइन बीस्ट, जैसा हम लोग रीजन्स का मैप डिस्टिल करवाते थे। बिल्कुल ठीक उसी तरह हमारे पास ये डिवाइन बीस्ट का मैप डिस्टिल होके आ गया है। और सिर्फ मैप डिस्टिल नहीं हुआ है, इस मैप की खासियत ये है कि हम इस डिवाइन बीस्ट को अब कंट्रोल कर पाएंगे। जी हाँ, getting the map of the divine beast. The terminals that control Rudania are noted by the glowing points on your map. To take back Rudania, you'll need to activate all of the terminals. You got this, little guy. ऑलराइट, सो दिन हो गया भाई, रोशनी आ गई है। उसने डिवाइन बीस्ट ने हम पर रहम खाया और अपने चारों पंखे ऊपर के खोल दिए हैं, जिससे कि काफ़ी सारी रोशनी आ रही है। और अब मुझे दिख रहा है कि बहुत सारी आईज़ हैं यहाँ पे जिनको मैंने नहीं मारा था। कोई बात नहीं, सबको चुन चुन के बदला लिया जाएगा सबका। इसमें एक बो था जो मैं ले ही लेता हूँ यार, ये बो हटा देते हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और एक नाइट को नया हमें मिल जाएगा। ओके, तो इस जगह पे क्या है, क्या अपने काम का यहाँ पे कुछ है? इस जगह तो कुछ नहीं है। और पर हाँ, ये रही एक आई, मार देना चाहिए जल्द से जल्द, इसका मैलिस हट जाए तो मैं इसको। ये रही एक दूसरी आई, इसको हमको जल्द से जल्द मार देना चाहिए। एग्जैक्टली लाइक दिस, डिड वर्क? यस इट डिड। यहाँ पे भी कुछ मैलिस है तो एक आई होनी ज़रूर चाहिए, इस तरफ नहीं तो इस तरफ होगी, होगी ज़रूर। एग्जैक्टली, तो इस तरह से आई थिंक इस पूरे हॉलवे की हम लोग ने सारी मैलिस आइस को कवर कर लिया है। और ये दे गई हम लोग को कुछ ट्रेजर बॉक्सेस, जिसमें है एग्जैक्टली 5 arrows। यही तो चाहिए थे गुरु, यही चाहिए थे हमको। और इसमें है 5 arrow और देखो इज्जत से खोलने का मैंने देखा है, कुछ ना कुछ फ़ायदा तो हो जाता है। अभी तक जितने भी मैंने बॉक्सेस खोले हैं, मैं कोशिश करता हूँ लात मारो, एक स्वैग आता है, एक मज़ा आता है। लेकिन इज्जत से खोलने पर भी कुछ ना कुछ आपको उसका एडवांटेज मिलता है। ये क्या ट्रेजर बॉक्स है जो रह गया हमसे? तो इसमें पड़े थे 5 ice arrows, बहुत सही। आइस एरोज हमारे ख्याल से ख़त्म भी हो गए थे हमारे पास, 5 हमको नए मिल गए हैं, इंटरेस्टिंग। और अभी क्या है कि हमें यूज़ करना है ये अपना आइस एरो तो नहीं कहूँगा, नॉर्मल एरो और ब्लू फ्लेम के साथ में, क्योंकि इस दरवाजे के ठीक पीछे एक फायर प्लेस है जिसको मैं लाइट अप कर सकता हूँ और ये दरवाज़ा वो खोल देगा, ठीक इस तरह। यहाँ पे एक स्टील बॉक्स है ऊपर, आपको बता दूँ मैं, वो छुपा हुआ है। तो इसके लिए मुझको फिर से वही है, एक अपना एरो वेस्ट करना पड़ेगा और आग लगानी पड़ेगी उस पर्पल, उस ब्राउन लीव्स में, उन ब्राउन लीव्स में आग लगानी पड़ेगी, जिससे कि जो है ये, जिससे कि वो बॉक्स नीचे गिर जाए और फिर हम उसका यूज़ करेंगे। आई हैव अ वेरी गुड वे टू यूज़ इट। और यहाँ पे अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको कैसे हम इसके कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं। तो अभी ये डिवाइन बीस्ट एकदम स्टिल है, जो येलो पॉइंट आप देख रहे हो वो हम लोग हैं, और जो चार आप ऑरेंज बॉल्स देख रहे हो वो चार ऐसे की पॉइंट्स की एरियाज हैं जहाँ हमें पहुँच के अपनी शीका स्लेट को एक्टिवेट करना है। तो कंट्रोल कैसे करते हैं उसके लिए, सिंपली ये आप जो देख रहे हो पिंक सी ड्रॉप जो ऊपर नीचे हो रही है, तो अभी हम लोग इस पोजीशन में हैं और अब हम लोग चेंज हो सकते हैं, उस पोजीशन में जा सकते हैं। तो हमको सिंपली वहां जाके और फिर बी प्रेस करना है, जिससे कि हमारा पूरा जो डिवाइन बीस्ट है अब वो अपना जो
शिफ्ट एक शिफ्ट जो है वो करना शुरू कर देगा एग्जैक्टली लाइक दिस। इस मेटालिक बम को मेटालिक पत्थर को मेटालिक ब्लॉक को हम लोग आराम से ऊपर उठा सकते हैं और गिरा सकते हैं एंड व्हाटएवर। तो हम लोग इसको बहुत ही समझदारी से यूज़ करने वाले हैं गाइस, आप लोग देखोगे और आप लोग को मज़ा आ जाएगा कि कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। अभी एग्जैक्टली जो फायर उतनी सारी निकल रही है इसको रोक देगा ये ब्लॉक आराम से और हम लोग चुपचाप से साइड से निकल जाएंगे, ब्लॉक भी नहीं छुएंगे, इतनी गर्म ब्लॉक को कौन छुएगा। और यहाँ पे मैं बता दूँ एक की स्टोन है एग्जैक्टली हेयर लाइक दिस हेयर। तो वापस से अब इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, हमें दो ही इसमें वो हैं तो यहाँ से हमें शिफ्ट करने के लिए सिर्फ उसको ए दबा के और बी फिर दबाना होता है एग्जीक्यूट करने के। एंड नाउ वी कैन एग्जामिन दिस की स्टोन और हमारा एक ऑरेंज बॉल अब उस मैप में से हट जाएगा। That's the way. Okay, so there are four terminals remaining. All right. वो फायर भी खत्म हो गई है और इस पूरे एरिया का काम यहीं पे तमाम हो गया है। यहाँ से आगे बढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं दिख रहा मुझको क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस ये मुझको दिख रही हैं। ये जहाँ भी आपको ब्राउन लीव्स अगर दिख जाएं तो इसका मतलब कि बिल्कुल आग लगा दो यारों, मेरा शायद बच जाता, नहीं बच पाता। ओके एनीवेज, और मेटालिक दरवाज़ा भी है हमारे पास तो हम इसको खोल सकते हैं डेफिनेटली। और ये अंदर की तरफ खुल रहा है, इसको अंदर की तरफ। एंड हियर वी हैव अनदर की स्टोन। अरे बंद भी हो रहा है तो वापस बंद हो रहा है। एनीवेज, एक और की स्टोन मिल गया है। There are three terminals remaining. All right, let's get moving. मुझे पता है मैंने उसी की जो है साउंड पे वो कर दिया, कोई बात नहीं। और हमारे पास फायर एरोज ज़्यादा हैं, फायर एरोज भी थोड़े यूज़ करने पड़ेंगे हमें क्योंकि वो सिंपल एरो हमको कभी कभी ब्लू फ्लेम्स के लिए चाहिए होगा। ये ट्रेजर गिरा है, आसमान से गिरा और ज़मीन पे अटका एंशिएंट गियर, कोई बात नहीं, वी कैन मेक यूज ऑफ इट। आई थिंक एंशिएंट गियर का तो हमको बहुत ही इमीडिएटली एक ज़रूरी काम है, मैं आपको बताऊँगा कहाँ पे किस जगह क्यों। नेक्स्ट वी हैव अनदर की स्टोन प्लेस एरिया, तो जिसके लिए आई थिंक आई नीड अ ब्लू फ्लेम। हमारे पास टॉर्च है ना, हाँ हम ब्लू फ्लेम ले लेंगे यहीं से और बढ़ते हैं दूसरी तरफ इस रूम में। आई नो इस रूम में कोई फायर प्लेस नहीं है लेकिन जो मैं करने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप उसको हूबहू कॉपी कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा उसके डीप में का ही जाके करेंगे आप लोग, लेकिन काफ़ी ये असरदार है, काफ़ी इससे आपका टाइम बचने वाला है। यहाँ से मैं टिकटो करता हुआ सीधे सीधे आराम से चला जाऊँगा विदाउट फॉलिंग हियर। और यहाँ से मैं नीचे जा सकता हूँ, ऊपर भी जा सकता हूँ, आई थिंक आई कैन क्लाइंब, बट फॉर नाउ हम लोग नीचे जाने पे फोकस करेंगे। बहुत स्लोली करना होगा ये मैंने इसमें देखा है क्योंकि जो आपकी ब्लू फ्लेम है ये तुरंत ये हाथ अंदर खींच लेता है कभी कभी, और अगर इसने हाथ अंदर खींच लिया तो फिर ये ब्लू फ्लेम बुझ जाएगी। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि वापस से हम लोग इसका शेप चेंज करेंगे, वापस हम इसको हॉरिजॉन्टली जो है स्लीपिंग पोजीशन में सेट कर देंगे। एंड ये अब हम ब्लू फ्लेम हमने लगा दिया जिससे कि ये दरवाज़ा खुल गया और ये छोटी सी बॉल हमारी नीचे अब आ गई है। यहाँ से गेम थोड़ा ये टिपिकल हो जाता है क्योंकि जो आप नीचे आप देख रहे हो इसको हटाना पड़ेगा नहीं तो ये पूरा जल भुन जाएगा बेचारा। I'll have a drill shaft. तो यहाँ से आप जो नीचे वो स्कल हेड्स देख रहे हैं ये जो है ना आपको परेशान करने आते हैं, जो एक्चुअली मैं बता रहा था वो वाली होती हैं आइज़ होती हैं मैलिस वाली, वो इनको ही वो उनमें से निकलते हैं ये बेसिकली। सो विद दे कैन डू हार्म, बेसिकली दे कैन डू हार्म, पर नहीं हो सकता, पर ये हो गया है, आई एम गोइंग टू डाई। गिरना पड़ेगा गाइस क्योंकि यहाँ से तो कहीं से नहीं निकल के जा सकता हूँ। तो लेट्स गो इन टू द वल्लावा, कोई बात नहीं, बहुत सारे हार्ट्स अपने पास यार, दो हार्ट्स हैं पूरे दो, ओह माय गॉड। एज पे बिल्कुल खड़ा होता है बंदा कि जरा सा भी कहीं अगर किसी का हाथ पैर सर कुछ भी लग जाए, झटका लग जाए तो बेचारा नीचे जाएगा। तो ये जिस जगह हम लोग आ गए हैं आपको बता दूँ काफ़ी ही इंटरेस्टिंग ये एरिया है, पहले तो नीचे आ जाते हैं। जी हाँ, अब यहाँ से बढ़ना है हमको इस जगह पे एंड अब हम इसको वापस टर्न करेंगे क्योंकि जो हमको जाना है वो दूसरी तरफ, तो इस जगह पर, तो
इस तरीके से जब हम ऊपर आ जाते हैं यहाँ से, तो हम लोग को अभी जहाँ हम लोग हैं, तो हमने इस अपने बीस्ट को राइट की तरफ टिल्ट कर दिया है, एंड ये उसका पूरा निचला पार्ट है। यहाँ से अगर हम जंप करते हैं तो हम लोग को मिलेगा एक छोटा सा होल टू फॉल ऑफ टू। यहाँ से यहाँ बिल्कुल सही जगह खड़ा हो गया हूँ मैं, और छोटा सा होल यहाँ से ठीक नीचे है, जिसके अंदर हम लोग जाने की अपनी छोटी सी कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली यप्पी। और यहाँ पे एक ट्रेजर भी मिल रहा है, हमारा इंतज़ार कर रहा है, जिसमें है असल और रूपी। नाइस, काफ़ी पैसा जमा हो गया, हम लोग की दो कौड़ी उठाती रही अगर आपको याद हो तो काफ़ी टाइम तक दो ही रुपये थे हमारे पास, मतलब काफ़ी टाइम तक अभी थे तो अच्छा है। अभी कुछ आ रहा है ऐसा वैसा आ रहा है। अब यहाँ तो क्योंकि मुझको कोई रास्ता दिख नहीं रहा जाने का, तो हम लोग वापस सीधे हो जाते हैं। सीधे होके हमारे पास काफ़ी रास्ते खुल जाते हैं। तो आई थिंक हमारे दो की स्टोन्स हो गए हैं, दो या तीन, दो हो गए आई थिंक। और एक और का मेरे पास आइडिया है, जो बॉल हम लोग ने वहाँ से गिराई थी वो बॉल अब एक्चुअली आ गई है इस जगह, आप देख रहे हैं हल्की सी चमक रही है, और इसी जगह हमको वो बॉल चाहिए थी। अभी हम इसको अगर टिल्ट कर देंगे डिवाइन बीस्ट को, मतलब इट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इतनी बड़ी, इतना बड़ा बीस्ट, इतनी भयंकर टेक्नोलॉजी, और हम लोग ऐसे उसको खेल रहे हैं उसके साथ, ऐसे उठा पटकी कर रहे हैं उसके साथ। तो ये बॉक्स ऊपर करने से जो वो बॉल थी वो अब इफेक्टिवली नीचे गिर जानी चाहिए, एंड देयर इट इज़, वो बॉल अब होल में जानी चाहिए, एंड देयर इट इज़, यू कैन ओपन द डोर, एंड देयर इट इज़, देयर इट इज़, देयर इज़ द की स्टोन, जो हमारा चौथा की स्टोन है आई थिंक। इसके बाद एक और बचता है, लेट मी चेक। शिका से तो ऑथेंटिकेट हो, दो बच रहे हैं अभी। ऑल राइट, दो बच रहे हैं, वी कैन डू इट, नो इशूज, दो हैं तो क्या हुआ। सो वील हैव टू वापस टर्न, क्योंकि रास्ता अपने को तभी दिखेगा बाहर निकलने का। हियर इट इज़। यहाँ से गाइस आई थिंक मुझको इधर नहीं, इधर तो बिल्कुल भी नहीं जाना है। हॉलवे के और अंदर जाएंगे, और अभी मुझको याद आया जो मैं एक चीज़ भूल गया था, वापस एक चीज़ मुझको वहाँ पे जाना पड़ेगा, वो ब्लू फ्लेम वाला एरिया अगर आप लोग को याद हो तो। सो उसके लिए वही ड्रिल करेंगे हम लोग वापस इस जगह से, जो है उसको अपने टर्न करके बालकनी एरिया में आएंगे, प्रॉपर बालकनी एरिया में। ये रही अपनी वही ब्लू फ्लेम। और अब यहाँ से क्या है कि मुझको जाना है इस जगह आगे। ऑलराइट, काफ़ी पतले ये इलाके हैं, और मुझको ट्रस्ट है नहीं, देखो सही बताऊँ मैं, मुझको मेरे ऊपर इन सब चीज़ों में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आई एम श्योर कि मैं गिर पड़ जाऊँगा इधर उधर। और यहाँ भी कुछ एक ट्रेजर है लेकिन बचा। एनीवेज, इस ट्रेजर में मिल रहा है हम लोग को एक धांसू सा एंशियंट कोर, आई थिंक अब दो तीन हो गए हैं, विच वॉज रिक्वायर्ड फॉर एन अपग्रेड इन आर स्टेसिस। तो ये सब मुझको बस ये का सब करने के बाद ये मैं नहीं उछल पा रहा हूँ, सो आई विल टर्न द डिवाइन बीस्ट, और ये मुझको अब नेक्स्ट करना है। अगर आप लोग भी याद दिलाइएगा, अब यही मुझको नेक्स्ट करना है कि ओके मारने के लिए आई डोंट सी एन आई, और ये सब निकालता रहेगा, और आंखें दिख नहीं रही हैं, ये होने वाला है ब्रो। और आंखें क्यों नहीं दिख रही है, आंखें तो दिख रही आई थिंक, किसकी आँखें, ना 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 ना। ऑलराइट, कोई बात नहीं, डिवाइन पीस में गेम ओवर नहीं होगा तो कहाँ होगा भाई, फ़क्र की बात है, शहीद हुए हम। अच्छा, बाहर आके छोड़ देता है, पर वो तो दो ही है ना, ठीक है वो दो ही हैं, कोई बात नहीं है, वापस जाएंगे। और वापस जाने के लिए जो है ज़्यादा मेहनत भी आई थिंक इसमें नहीं लगने वाली है इस वाले में अभी, क्योंकि हम लोग को जाना है वो ऊपर ही है, वो अंदर भी नहीं है, वो जो पर्टिकुलर की स्टोन है वो ऊपर ही यहीं कहीं होता है एज आई रिमेंबर इट, बट लेट्स सी, क्योंकि अभी तक तो नहीं दिखा है। एक्चुअली आई थिंक वो ऊपर ही था, वो उन रेलिंग्स पर है, ये रहा ऊपर, ये एग्जैक्टली मेरे ऊपर है वो अभी। सो उस तक पहुंचने के लिए आई हैव टू डिवाइस अनदर वे, एक दूसरा कुछ तरीका ढूंढना पड़ेगा अपन को, वहाँ से नॉर्मली हम लोग नहीं पहुँच सकते। ओके, सो देयर इट इज़। और हम लोग को वो आँख भी दिख रही है, पहले तो उस आँख को ही उड़ा दिया जाए, सो दैट यू डोंट हैव द सेम इशू अगेन, एंड आई थिंक इट्स डन, हाँ इट इज़ डन। तो पहले एक बार ट्राई करते हैं, शायद यहाँ से भी जाना पॉसिबल हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो, मे बी यहाँ से जाना पॉसिबल हो। ये तो वही ब्लू फ्लेम वाली जगह आ गई है, सो इफ़ आई गो दिस वे,
तो अगर मैं इस रास्ते जाता हूँ तो आई विल बी हेडिंग टूवर्ड्स द हेड नो आई डोंट हैव टू गो दिस वे डेफिनेटली तो इसको पहले टर्न कर लेते हैं आई थिंक टर्निंग विल डू व्हाट आई वांट टू टर्निंग विल मेक इट डू व्हाट आई वांट इट टू डू एग्जैक्टली हाँ इस तरफ जी बिल्कुल ठीक तो इस तरफ टर्न करने से क्या होगा कि उसका जो टॉप है वो हमारा प्लेटफॉर्म बन जाएगा और हम लोग पहुँच पाएंगे उसके मिडल उसके टॉप के मिडल में जहाँ पे हमारा अगला कीस्टोन है एक्चुअली तो बस थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा एंड वी विल हैव अ कीस्टोन एरिया हियर तो यहाँ से आई थिंक मैंने ट्रेजर भी उठाया था और ओह नो नो यू गॉट टू बी किडिंग मी मैन एंड आई एम आउट एब्सोल्युटली आई एम जस्ट आउट जस्ट लाइक दिस आउट ऑलराइट इससे अच्छा देखो कहीं और कूदने से अच्छा मैं वापस दो बार टर्न करूँगा और वापस उसको उस पोजीशन में लाऊँगा उससे बेटर ये है कि मैं जहाँ से कूदा था जहाँ से मेरी गलती हो गई थी मुझसे कूदने की उसी जगह मैं जाके वापस खड़ा हो जाऊँगा अगर मैं गिर जाता तो सो दैट्स व्हाट आई डिड एंड अभी मुझे इसको टर्न करवाना पड़ेगा क्योंकि जो कीस्टोन है वो हमारा बिल्कुल ठीक इसी जगह पर है कहीं पर गाइस पैथेटिक जाना पड़ेगा मुझको वापस अब एक एपिसोड पूरा एक डिवाइन बीज ले ही लेता है और अभी तो हम लोग हाफ वे भी नहीं पहुंचे मैं आपको बता दूं जो अभी आगे होने वाला है वी आर नॉट इवन यू नो इन द मिडल ऑफ दिस एपिसोड एज ऑफ नाउ तो देखते हैं कैसे हम लोग वहां तक पहुंच पाते हैं और कितनी देर में पहुँच पाते हैं ओके अगेन वील हैव टू टर्न इसको उल्टी नहीं होती क्या इतनी बार बेचारा दाएँ 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 तो जो मुझको जाना है वो मैं पहले ही नोट आउट पॉइंट आउट कर लेता हूँ अपने लिए आई थिंक हाँ वहाँ कहीं पे जाना है मुझको आई सी इट तो ऐसे बढ़ते हैं आगे धीमे धीमे डूइंग द सेम ड्रिल देखो 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 मतलब आई डोंट नो पता नहीं भाई क्यों होता है ऐसा और पता नहीं इन्होंने बनाया क्यों है ऐसा इतना पतला रास्ता क्यों बनाना है भाई इतने मोटे कपड़े भी तो पहना रखे हैं अभी तो सोचो कपड़े भी तो मोटे पहना रखे हैं ना आपने वो बेचारा इतना बड़ा जो है ये मोटा सा आर्मर पहने हुआ है डिसबैलेंस होना तो लाजमी है हो गई तो एनीवेज ये है हमारा कीस्टोन एक्चुअली जो हम लोग शुरू से यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू बी हियर अभी इसको बस मुझको जो है ना कि नो आई विल नॉट फॉलो नो ओके आपने देखा क्या हुआ अभी सो कितना कुछ सीख गया हूँ कितना बेटर होना है इस गेम में ऑलरेडी तो बचा लिया मैंने अपने आप को नीचे गिरने से और अपना चौथा की स्टोन भी एक्सेस कर लिया है मैंने ऑलराइट इसके बाद बचता है हमारा एक और की स्टोन जिसके लिए बेसब्री से इंतज़ार है मुझको अब ये वन मोर टर्मिनल पहुँचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे आई सीरियसली हैव नो आइडिया ये मतलब कितना बड़ा टास्क होने वाला है देखिए ये नीचे तो मैं गिर गया और मैं गिरा हूँ आके सीधा इस प्लेटफॉर्म पे जिसके सामने मेरे सामने ट्रेजर भी है ओके सो नाइस कोइंसिडेंस इस ट्रेजर बॉक्स में मिल रहा है मुझको एक नाइट बो जो मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं लेकिन मैं जो यूज़ कर रहा था उसको गिरा देता हूँ क्योंकि वेलकम करना चाहिए आपको जो भी कुछ नया आ रहा हो आपके पास सो वी हैव अ न्यू बो वी हैव अ न्यू नाइट बो नाउ 26 पावर और अब मुझको जाना है वो आप सामने देख रहे होंगे छोटा सा दरवाज़ा देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग जस्ट फॉर मी वो सिर्फ मेरे लिए है वहाँ पे और अगर मैं एक अच्छी जंप लगा दूँगा तो मैं एक ही जंप पे वहाँ पहुँच जाऊँगा ठीक इस तरह नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज मैं वापस इसको टर्न करूँगा इस पोजिशन में आके सो दैट आई गेट द बालकनी पोजिशन अगेन और अब मुझको एक्चुअली बालकनी से कोई लेना देना नहीं है मुझको जाना है वापस अंदर जी हाँ वापस अंदर मुझको जाना है मैं देखता हूँ कि कितना अंदर मुझको जाना है एक्चुअली नीचे मेरे एक यहाँ पे ये रहा मेरा कीस्टोन जो ऐसे नहीं दिखेगा मैं आपको नहीं दिखा सकता मैं पहुँच के दिखाता हूँ आपको और यहाँ से अगर मैं स्लोली बहुत ही केयरफुली अगर मैं यहाँ पे लैंड करूँ तो ठीक कीस्टोन के सामने मैं लैंड करने वाला हूँ लाइक दिस ये हो गया गाइज हमारा पाँचवा और आखिरी कीस्टोन जिसके बाद असली तबाही शुरू होने वाली है आप देखेंगे असली तबाही तो वही है There should be a new glowing mark on your map. You're gonna need to make your way over to that. Stay focused. All right. So ये कह रहा है कि जो सबसे पहले आपको मिला था
अगर आप लोग को भी गाइस याद हो तो मैं आपको याद दिलाऊं कि जो सबसे पहले हमको एक वो मिला था बड़ा सा गोल सा हाथी जैसा बीचों बीच दो चारों पंखों के बीचों बीच एक शीका स्लेट आइडेंटिफायर वाली प्लेस थी, वहीं पे हम लोग को वापस जाने हमको ये दारुक बोल रहा है क्योंकि वहाँ पे हमको जो है लास्ट बार अपना वो दिखाना होगा शीका स्लेट विच विल ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स अकॉर्डिंग टू दिस गाइस ओवर हियर। ठीक है, तो वहाँ कैसे पहुँचना है देखना पड़ेगा फिर से। अगेन द सेम रेल, आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही धांसू ट्रिक है क्योंकि बाहर पहुँचना और बाहर आना ही अपने आप में बहुत बड़ा इशू बन जाता है इस गेम में एक टाइम पे, इस पर्टिकुलर डंजन में, श्राइन में, सॉरी डिवाइन बीस्ट में, या तो वो भी अपने आप में एक इशू बन जाता है। सो ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो काफ़ी आपके काम आने वाली है, आई नो इट। अगेन बहुत ही धीमे धीमे भारी कपड़ों में बेचारा पतला सा रास्ता है और लिंक तो पतला है खैर, बट आई डोंट थिंक कि वो काफ़ी है। तो ये रहा हमारे सामने जो है अपना हाथी नुमा कुछ मोटरफॉल है। जी हाँ, तो यहाँ हम आ गए हैं गाइज, अब गेम को सेव भी हम यहाँ से करेंगे क्योंकि जो हम लोग के साथ अब होने वाला है ना दैट इज समथिंग एल्स, लाइक सम टोटली समथिंग एल्स। हाँ सॉरी, सो गेम मैंने सेव कर लिया है एंड ओके गो। His Dan and Tandy work. Thing got the best of me 100 years ago. Good luck, little guy. Go get him! Watch out! So here we go, guys. Watch out for that sword. Okay, the sword is quite big and huge, and we have to watch out for that. मुझे actually genuinely कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको किससे मारूं. मतलब, what do I even use? So for now I have just one criteria and one plan only, which is to hit him in eyes. Iski aankhon pe waar karo so that I can stun it. Aur stun karna hi sabse best tarika hai jo meri position hai usme. Go for it. Ab wahan ja ke main usko maar sakta hi nahi hu to main maarunga bhi nahi aur bhagna padega pehle to. Ki kya ye aag ke gole meteor meteor fek raha bhai mere upar, main abhi hu nahi us position pe ki itna jaata hu. I think I can use the royal bow as well, no? रॉयल ब्लो यूज़ करते हैं पावर टू सी कितना असर किया। ऑलराइट, वी हैव जस्ट 7 फायर एरोज लेफ्ट है मेरे पास अभी भाई। तो ओके द स्वॉर्ड अटैक, द स्वॉर्ड अटैक, नाइस सेव। आई डोंट नो व्हाट सेव मी, लाइक दिस। ओके, सो अभी जब इनकी पावर कम हो जाती है इसी तरीके से पागल हो जाते हैं जैसा आप इनको देख रहे हैं। अभी अजीब अजीब हरकतें करने लगेगा भाई। आई डोंट हैव एनी, ये क्या है, ये क्या ब्लू से ऑरेंज हो रहा है अभी। अब क्या करना है मुझे, ये इस तरह से घूमने लगेगा, अजीब अजीब हरकतें करेगा। आई डोंट नो व्हाट टू नाउ, ये ड्रिल शाफ्ट से इसको कुछ होना वाला है नहीं। सो 42 वाला ये स्टोन मैशर ही पाना होगा। तो गया कहाँ पे, दिख रहा है किसी को? ओ भाई, अच्छा वो रहा है, कहाँ छुपा है भाई? क्योंकि ये ना हमें मार पाएगा ना हमें पहना पाएगा यहाँ पे। तो अच्छा अभी करना क्या है, तो कुछ फायर आयर भेज रहा है ये इसको हाफ हार्ट ये इसका अगर एक अटैक ऐसे हाफ हार्ट पे छोड़ देगा हम लोग को लाके, तो फिर ज़्यादा स्कोप दिख नहीं रहा है मुझको यहाँ पे मेरा। मतलब मैं करने क्या वाला हूँ, आई हैव नो आइडिया व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। ठीक है, कोई बात नहीं, आई हैव टू गेट अ प्लान, आई हैव टू फाइंड अ प्लान। फिर से ये जा रहा है कहीं पर,
ये अपड्राफ्ट जैसा कुछ बनाता है यार, इसका कुछ फायदा उठाना पड़ेगा ना। सो व्हाट आई हैव इन माय माइंड कि अगर ये जिस तरह से जो खींच रहा है अभी है, अगर ऐसा एक बॉम्ब छोड़ दिया जाए इसके ऊपर, भी अंदर चला गया लाइक अब इसको मार। नहीं, ओके ठीक है, क्या देखते हैं क्या करना है। हाँ, बस वहीं भागो। बच गए। कितने हार्ट से बचे? शिट, कोई तीन वाला है, तीन वाला भी इस समय खा सकता हूँ मैं। आई हैव नो इशूज, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, तीन वाला भी खा सकते हैं। कितने हार्ट रिस्टोर करता है ये? हाफ हार्ट रिस्टोर करेगा मेरा। चलो हाफ हार्ट करेगा क्योंकि हेल्थ ऑल द टाइम मेरी होनी बहुत जरूरी है। ये सब भी ओके, वी डन गाइस, वी डिड इट। क्या था आखिरी यार, वो आँख में पड़ गया क्या? क्या हुआ? आई डोंट नो हाउ पर हो गया है और ये हमारे सामने एक स्टैमिना हार्ट वेसल हमारा ऐसे ही बैठा हुआ है जैसे पता नहीं क्या, मतलब चिल कर रहा है बढ़िया। सामने ब्लू बढ़िया लाइट जल रही है। सो आई सपोज वी आर हियर टू ग्रैब दिस हार्ट वेसल फर्स्ट ऑफ ऑल। यप, वी गॉट फोर हार्ट्स, नाइस कूल। अब मैं वो फूड वो मील्स यूज कर पाऊंगा जिन्होंने चार दिल देने हैं मुझको। एंड there's still something left. Once you activate the main control, you will not be able to re-enter the interior of this divine beast. For sure. Yep, do it. Whoa. हाथी नहीं लगता ये, मुझको हाथी जैसे फील आता है इसको देखकर। Work, little guy. I owe you big for this. Because of you, my spirit is finally free. Can't thank you enough. I feel like I should apologize. I was doing all I could to protect Hyrule when that thing got the best of me. Sorry that me resting with the rubble caused such a mess. The good news is, Ruthania is now back under our control. That means that our century-old Ganon beatdown plan can finally go into effect. I'm gonna take this down the mountain. I'll have a better shot at Ganon there. And then, once you've made your way into Hyrule Castle, we're gonna light that thing up. I wanna give you something. It's a special power of mine called Daruk's Protection. It's no good to me now that I'm a spirit, but it might be useful for you. Here it comes! From this moment forth, the power of protection from the depths of my soul now lives inside you. Good luck, little guy. And give my regards to the princess.
just gotta wait for the perfect shot. Once Link is in the castle, Udania will unleash an epic blast. Ganon won't know what hit him. Hyrule looks pretty good from up here, even after 100 years. The old rolling grounds sure are a sight for sore eyes. I wonder how the Gorons fared after the Great Calamity. I sure hope everyone down there is still going strong after every... Huh? Hey! Look at that! Still going strong indeed! Ha! What a nice, sweet little ending. आप में से कितने लोग ये सोच रहे थे कि ये दारुक अपनी Daruk's Protection, a protective power containing the perfect defense of the champion Daruk. It will automatically protect you from all manner of attacks as long as you're holding ZL. All right, I can hold ZL. Here it is. Ye ra, hum bhi ban gaye Omega Ruby. So Omega Ruby Link आ गया है यहाँ पे और उसको वापस आ गया है. बेसिकली डिवाइन बीस्ट हमारा कंप्लीट हो गया गाइस. जो आप हमारे लेफ्ट में बॉम्ब सॉम्ब के नीचे एक बड़ा सा लिजर्ड देख रहे हो तो इसका मतलब इतना सही है कि हाँ अब हम डिवाइन बीस्ट के साथ हैं. Hey brother, thanks so much for appeasing Rudania, Goro. I don't exactly know what you were doing in Rudania, but well, it seems to have calmed down, Goro. You know, while I was up there, I could have sworn I saw Lord Daruk standing on top of Rudania. I wonder, was that his ghost? जी हाँ, वो भूत था उस आदमी का. अभी भी उतना ही मोटा. I don't know how to explain it, but somehow I feel a lot braver now, Goro. Huh? Oh, that's right. I talked to boss about you, and he said to bring you to him. An order from boss can't be refused. Move it, Goro. Gabbar Singh, मैं आ रहा हूँ Gabbar Singh. चला जाए गब्बर सिंह के पास. देखें गब्बर सिंह का मेरे डिवाइन बीस्ट विक्ट्री के बारे में क्या कहना है दोस्तों. देखें तो ज़रा, दाढ़ी लिए बैठा है, कमर में दर्द है इसकी बेचारे की. Hey, it's you. You know, you told me everything. You really are something else, brother. You know what? I can't believe you conquered Rudania. Color me impressed. Color me impressed. But good grief, did you have to do it just when my back pain went away? I was all ready and raring to go at Rudania myself. Now you're gonna make it look like I just flibbing about my back pain this whole time. Imagine that. Me. Oh, and I'm also happy to see Yunobo finally got his act together. I know that's what doing as well. But enough back padding and other such nonsense. Take a look at this. The divine beast Varudania has calmed down and returned to his peaceful ways. Now you can get back to digging for ore around Death Mountain. Oh right, I still gotta thank you, brother. Milega, milega, kuch milega, milega. That's some treasure in my house. Grab it, keep it, it is yours. It's a sharp blade that Daruk himself once wielded. I'm sure you'll be able to make good use of it. Wah, 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 naya weapon. However, well, as a Hylian, you probably already know this, but apparently 100 years ago, the Hylian champion had a legendary blade, the sword that seals the darkness. I bet you'd like to find it, eh? You should go looking. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. So Divine Beast War Rudania हम लोग ने guys officially लिखित में complete कर लिया है, जिसका अब हम लोग in the end आए हैं. अब आए हम लोग इन दी एंड उसका रिवॉर्ड उठाने. उसके कमरे में लावा बना है भाई. आई कुड डाई जस्ट स्टैंडिंग इन दिस रूम. सो एनी वेज ये सामने ही रखा था, मैं उधर उधर ढूंढ रहा था. ये रही वो ब्लेड जो वो कह रहा था. देखें क्या है. द
बोल्डर ब्रेकर 60 ये शार्प एज द शार्प एज कहीं से शार्प एज नहीं है ये. दिस 200 वेपन वॉज वंस विकेड वील्डेड बाय द गोरोन चैंपियन डारुक. डारुक मेड स्विंगिंग इट अराउंड लुक ईजी बट हाइलियन वुड नीड एन इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ. बिल्कुल सही बात है आपकी. एक 60 लेवल का हम लोग को अटैक वेपन मिल गया है जो हमने तो कभी इमेजिन नहीं किया था. ये 5 लेवल की जो आई और थे उसको गिरा देते हैं अभी के लिए और बोल्डर ब्रेकर रख लेते हैं अपने पास. सो गाइस ओफ ये और रास्ते में आके खड़े हो गए. भाई साहब हटिए हटिए सर. ओहो यस. तो इतने बड़े एक डिवाइन बीस्ट को हराने के बाद काफ़ी थक गया होगा. ऊपर से 60 पावर की है हमने उसको बोल्डर और पकड़ा दिया है जो दिखने में काफ़ी सॉलिड लग रहा है एक्चुअली. एनी वेज आज पता नहीं मुझको ये एपिसोड कितना बड़ा हो गया या कितना छोटा था. गाइस ये सीरीज़ मैं बहुत मन से बना रहा हूँ, बहुत मेहनत से बना रहा हूँ. और प्लीज़ ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें से कुछ भी आपको पसंद आ रहा है, कुछ भी आपको अच्छा लग रहा है, शायद गेम, शायद कोई तरीका, शायद कहीं आपकी हेल्प हो गई हो या मे बी मेरी कमेंट्री पसंद आ रही हो, आई डोंट नो वॉट आपको पसंद आ रहा है, कुछ भी पसंद आ रहा है अगर, तो गाइज आपके आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ इस प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ वॉच करिए, लाइक करिए, शेयर करिए इन सारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों में जिनको इस गेम का शौक है. और जिनको इस गेम का शौक नहीं है उनको दिखाइए कि वॉट आर दे मिसिंग मैन. लुक एट दिस. अभी एक डिवाइन बीस्ट हुआ है, वी आर 14 एपिसोड्स इन और एक डिवाइन बीस्ट हुआ है. 3 डिवाइन बीस्ट बाकी हैं. स्वॉर्ड बाकी है जो मास्टर स्वॉर्ड है इस गेम में और बहुत कुछ. 120 श्राइन्स हैं. हमारा लास्ट में कैलमिटी गैनन है. काफ़ी एक्साइटिंग और काफ़ी फन होने वाला है गाइस. प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स. अभी के लिए बोलेंगे बाय बाय एंड सायोनारा. मिलते हैं अगले एपिसोड में.